हेलो नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम दिस इज गजल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द डेंटिस्ट और हमें अपने डेंटिस्ट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए सो लेट्स सी हमें कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए सो टूथब्रश की क्वालिटी उसके ब्रिसल्स पर डिपेंड करती है ना कि उसके ब्रांड पर कौन सा ब्रांड हमें यूज करना चाहिए सो ब्रिसल्स क्या होते हैं जो ये वाली चीज होती है ना ये सारे ब्रिसल्स होते हैं ठीक है तो हमें मीडियम ब्रिसल्स यूज करने चाहिए जो मीडियम ब्रिसल वाला ब्रश होता है हमें वो यूज करना चाहिए और सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश वो वाले लोग यूज कर सकते हैं जिन्हें ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है क्या हमें माउथ वॉश यूज करना चाहिए जी हाँ हमें माउथ वॉश बिल्कुल यूज करना चाहिए माउथ वॉश जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है और सेंसिटिविटी बैड ब्रीथ जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है सो डेफिनेटली यस हमें माउथ वॉश यूज करना चाहिए और हाँ कौन सा टाइप ऑफ माउथ वॉश हमें यूज करना चाहिए इट शुड डिपेंड ऑन व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स यू हैव इन योर माउथ सो ये आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं क्या हमें दातुन यूज करनी चाहिए Yes, the most frequently asked question. So, दातुन जब पहला टाइम होता था दातुन जब लोग करते थे तो तब क्या थी जो डाइट थी वो बहुत हार्ड डाइट होती थी नॉट सॉफ्ट डाइट तो हमारी ओरल कैविटी अच्छे से दातुन से साफ हो जाती थी बट अभी की जो डाइट चल रही है दैट इज सॉफ्ट और स्टिकी डाइट जिसकी वजह से जो खाना है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है तो उसको साफ करने के लिए हमें टूथब्रश का यूज करना चाहिए बिकॉज दातुन उन जगह पर नहीं पहुंच सकती जहां पर हमारा ब्रश पहुंच जाता है सो इसी वजह से दातुन यूज कम करना चाहिए दातुन का अगर जो लोग दातुन यूज करते हैं तो आई विल रेकमेंड टू यूज ब्रश ऑल्सो क्योंकि जो काम ब्रश ने करना है वो दातुन नहीं कर सकता सो डेफिनेटली और मोर ओवर जो कंटेंट्स दातुन में होते हैं वही आजकल हमारे टूथपेस्ट में भी आते हैं सो नॉट टू वरी यू शुड ऑल्सो डू ब्रश हमें कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए सो आइडली हम रेकमेंड करते हैं कि हमें 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करना चाहिए हमें कितनी देर बाद टूथब्रश चेंज करना चाहिए हर 6 महीने बाद हमें अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए हमें कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए well, इसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ और जिन लोगों ने नहीं देखा उसके लिए मैंने नीचे लिंक मेंशन की है सो यू कैन चेक दैट अपने दांत कैसे वाइट करें आप अपने घर पे कर सकते हैं तो उनको यूज करने से पहले आपको इस चीज का कारण पता होना चाहिए सो देर आर एक्सटर्नल कॉजेज और देर आर इंटरनल कॉजेज इंटरनल कॉजेज में कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है कोई भी मेडिसिन की वजह से डिस्कलरेशन हो रही है टूथ की तो उसके लिए तो ब्लीचिंग करवानी ही जरूरी है और जो एक्सटर्नल कॉजेज है लाइक कोई भी फूड स्टफ की वजह से स्टेन्स होने टी कॉफी हल्दी इन सब की वजह से स्टेन्स होने तो उसका इलाज आप घर पे कर सकते हैं लाइक वाइटनिंग टूथपेस्ट लेके या फिर बेकिंग सोडा ब्रशिंग कर सकते हैं आप और आजकल जैसे एक्टिवेटेड चारकोल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लोग विच इज नॉट आइडली रेकमेंडेड सो आई विल सजेस्ट ये सब चीजें करने से पहले इसका हमें नुकसान भी पता होना चाहिए क्योंकि अगर हम ये ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकती है गम्स की इरिटेशन हो सकती है सो इन सबसे पहले यू शुड नो ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज और विदाउट कंसल्टिंग योर डेंटिस्ट यू शुड नॉट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स एट योर होम हमें डेंटल चेकअप करवाने की क्या जरूरत वेल इट इज सेड दैट कि हमें साल में 2 बार अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए तो क्यों हम यही बात अपनी डेंटल केयर में फॉलो नहीं करते क्यों हम तभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब तक हमारे दांत में दर्द ना हो जिसकी वजह से डेंटिस्ट हमें रूट केनाल बोलेगा जिसकी वजह से हमारा खर्चा ज्यादा आएगा और हमें जो पेन टॉलरेट करनी पड़ेगी वो अलग से सो इतना कुछ होने के बजाय क्यों ना हम हर 6 महीने बाद अपना डेंटल चेकअप करवाना शुरू कर दें जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी कम होगी और हमारा ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहेगा
And one more thing, that your personality is affected by your smile, and your smile comes when your teeth are healthy. So that's it. Thank you for watching, and also please like, share, comment and subscribe my channel.